राणा सनाउल्लाह ने मिड टर्म इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि नाम निहाद रियासत मदीना से इंसाफ लेंगे। तब्दीली सरकार से सिर्फ इत्तेहादी ही नहीं बल्कि मुल्क के 22 करोड़ आवाम भी नाराज हैं। इत्तेहादी हुकूमत की कश्ती से जितना जल्दी छलांग लगा लें उतना ही बेहतर है। अपने वालिद की तैमारदारी करना मरियम नवाज का हक है। इस अदालत में अब तक 10 स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हो चुके हैं जिनको एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब तक कोई तकरीबन 6 करोड़ रुपया जो है वो कौमी खजाने से फीस दी जा चुकी है। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन से मुतालबा किया है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। ये बदतरीन और घटिया तरीन अपने मुखालफीन से सियासी इंतकाम की मसालें जो है वो कैम कर रहे हैं। ये मुआशरे को जो है वो इतना तलख कर रहे हैं, इतनी तलखियां पैदा कर रहे हैं, इतनी नफरतें पैदा कर रहे हैं कि जिनका अजाला जो है वो आने वाले जो है वो सालों में नहीं हो सकेगा। इनके इत्तेहादियों की आप बात छोड़ें, इनसे इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम नाराज़ हैं। आज इनको हर घर में गाली पड़ रही है, आज इनको हर गली में गाली पड़ रही है, आज हर पाकिस्तानी जो है वो इनसे नाराज़ है। ये इत्तेहादी जो हैं ये जितनी जल्दी इनकी कश्ती से छलांग लगा देंगे उतना ही महफूज रहेंगे, जो इनके साथ रहेंगे वो डूब जाएंगे। हम बिल्कुल किसी सूरत में भी जो है वो इंटरिम सेटअप का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। हमारी तरफ से एक ही जो है वो इस मौजूदा सूरत हाल का हल है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाएँ, दोबारा आवाम से रुजू किया जाए और आवाम का जो फैसला है उसके मुताबिक जो है वो हुकूमत बने और आवाम के मसाइल को हल करें।